जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सृष्टि ज्ञान में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा हमारा अष्टमी तिथि तक का भोग मैं बता चुका हूं। आज मैं बताऊंगा आपको नवमी तिथि का भोग, माँ जगदम्बा को क्या भोग लगाना चाहिए नवमी तिथि को और क्या इससे मिलेगा। शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को यदि हम लावा खील को बोलते हैं जो चावल की बनी होती है, उसका आप अगर भोग लगाएं, या अगर विष्णु ब्रह्मा महेश को बिलू पत्र में, ब्रह्मा जी को बरगद के पत्ते में और विष्णु जी को पीपल के पत्ते में यदि हविष्य अर्थात खीर का भोग लगाया जाए तो माता जी परम प्रसन्न होती हैं और लोक और परलोक में व्यक्ति परम सुखी हो जाता है। मतलब इस लोक में तो वो परम सुखी होगा ही, आगे जाके जो लोक उसको मिलेगा उसमें भी वो परम सुखी रहता है। तो जिसको भी कोई पीड़ा हो तो शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को माँ जगदम्बा को आप लावा का अर्थात खील का भोग अवश्य लगाएं, फिर आप देखें आपको क्या अद्भुत फायदा इससे होता है। दोस्तों वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लोगों के पास ज्ञान पहुंच सके। ये छोटे छोटे उपाय होते हैं, हमारी श्रद्धा होती है, हमारे कर्म होते हैं जो हमको किस्मतवान भाग्यवान बनाते हैं। उससे ही धन की प्राप्ति होती है, उससे ही घर में खुशहाली आती है, कोई धन खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों फिर और नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, श्री राधे।